हेलो राधे राधे, अमूल के पेज पे आप सबका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए अमूल के पेज पे। मैं ज्योति शर्मा फ्रॉम हिमाचल। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आई होप आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो सभी को एक बार फिर से राधे राधे। मैं ज्योति शर्मा फ्रॉम हिमाचल। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया अमूल के पेज पर लाइव आने का और अपनी रेसिपी आप सब तक पहुंचाने का। तो अभी मानसून चल रहे हैं, तो मानसून में सबसे ज्यादा क्या चलता है? कॉर्न, मक्के पे जो जो भी आपके यहाँ बोलते हैं। हेलो सभी को। तो आज मैं उसी से ही रिलेटेड एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो राधे राधे। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कॉर्न लिए हैं। आप कोई भी कॉर्न ले सकते हो, स्वीट कॉर्न ले लो या नॉर्मल वाले कॉर्न भी ले सकते हो, और उनको आपको ग्राइंड कर लेना है या हल्का सा बॉईल करके उसको आप मैश कर लो। तो यहाँ मैंने इनको कॉर्न को स्वीट कॉर्न लिया है, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसमें मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में हमें थोड़ा सा स्नैक्स खाने का मन तो करता ही है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं कुछ ये सब्जियां ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी स्किप भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने ये शिमला मिर्च ली है, प्याज, ग्रेट की हुई गाजर, हरी मिर्च, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, चुकंदर लिया है और ये पत्ता गोभी लिया है। यहाँ मैंने ये चीज लिया है, क्यूब वाला चीज लिया है, ये अमूल का चीज। ये हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा और बच्चों को भी काफी पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे और मैं इसको नॉन फ्राइड बना रही हूं। आप इसको फ्राइड भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने स्टैंड में बनाऊंगी, जो आपका कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें स्नैक्स तो खाना होता है और हम ऑयल को भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कॉर्न लिए हैं, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद हम जो भी वेजेस हम इसमें ऐड कर सके, जो अभी हम खाते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, बारीक कटी हुई प्याज ली है। आप चाहो, अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर प्याज डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और ग्रेट की हुई गाजर, 2 चम्मच मैंने गाजर लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ मैंने ये सूजी ली है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सूजी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कीड़े होने की भी संभावना होती है, इसलिए थोड़ा से पहले साफ कर लें। तो यहाँ मैंने लगभग 3.5 चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी ऐड की है, थोड़ी सी कैबेज डालूंगी और बीटरूट, चुकंदर। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और कुछ स्पाइसेस, ज्यादा स्पाइसेस हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे ही टेस्टी बन जाएगा। तो नमक हम यहाँ पर स्वाद अनुसार, और ये चिली फ्लेक्स, ये हो गया ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इसमें डालेंगे तो इससे इसमें टेस्ट और अच्छा आएगा। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स,
अब हम इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। और हमने ये जो जो सूजी है वो हमने थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए डाली है, जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। और इसको अब हम मिक्स करेंगे। और ये काफी हेल्दी भी होती है, क्योंकि कॉर्न है तो हेल्दी भी आप इसको वर्जन दे सकते हो। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी मर्जी है। तो बस अब हम इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि लाइव में ज्यादा समय नहीं होता है। और यहाँ हम अपने पैन को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने ये अप्पे पैन लिया है और आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर अमूल का पनीर, ये बटर लूंगी। पैन में अच्छे से हीट आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें बटर, थोड़ा थोड़ा बटर ऐड करेंगे। इससे जो हमारी जो ये बॉम्ब्स बनेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और लाजवाब बनेंगे। इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में और जो आपके आसपास है उनके मुंह में पानी आ जाएगा। थोड़ा सा जितनी भी आपको डालना हो उसमें आप बटर ऐड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं डालना है, बटर को मेल्ट होने देंगे। और यहाँ देखिए, अगर आपको थोड़ी सी सूजी कम लगे तो आप वापस से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरीके से आप हाथ पे लें, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। और यहाँ देखिए ये चीज के क्यूब्स लेंगे हम, क्योंकि हमें चीजी बनाना है तो हम यहाँ पर थोड़ा डबल क्यूब्स ऐड करेंगे। इस तरीके से आप उनको रोल कर लीजिए। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिए। और ऐसे बना बना के हम इसमें रखते जाएंगे पैन में। मुझे आप लोगों के कमेंट सोने हो रहे हैं, प्लीज बताएं जरूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और कौन कौन इसको ट्राई करेगा। बस इस तरीके से हम इसको बना लेंगे सभी बॉल्स को, जितनी भी बॉल्स हमारी बनेंगी। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हम लोग पकौड़े भी खाते हैं बरसात में। और इस तरीके से ये वाली रेसिपी बनाई है, यकीन मानिए आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, घर में अधिकतर सभी को पसंद आएगी। इसको टर्न करते रहें। स्लो फ्लेम पर ही आप इसको सेक लो। हेलो जी, तो क्यूब्स तो आप ये जो चीज है इसमें भर भर के ऐड कर सकते हैं, और बीच में आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप ये वाली रेसिपी उनको भी ट्राई करा सकते हैं। घर में कोई गेट टुगेदर है उसमें भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। क्योंकि अभी गर्मी आए ना, तो आप ये जो पनीर के क्यूब्स हैं उसी समय फ्रिज से निकालें जिस समय आप इसमें रेसिपी को बिल्कुल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से टर्न करते रहें इसको, है ना, जिससे कि आपके जो ये बॉम्ब्स है वो पैन में लगे नहीं।
हेलो सभी को भी, आप लोगों के ना मुझे कमेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी सो नहीं हो रहा है, तो प्लीज ये ना बोलें कि रिप्लाई नहीं दिया। और अमूल का तो हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि ये हमें अमूल जो हमें ये मौका देता है, हम जैसे होम शेफ को आप सब तक अपनी रेसिपी पहुंचाने का, तो उसका अमूल का हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है, तो यहाँ मैंने लगभग 100 ग्राम मैंने यहाँ पर कॉर्न लिए थे। आप बॉईल करके भी इसको मैश कर सकते हैं या आप ग्राइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बटर और ऐड करूंगी कि जो बटर का जो टेस्ट और इससे जो लुक आएगा ना हमारी इसमें बॉन्स में, वो बहुत ही शानदार आएगा। बटर में हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, उसकी जो खुशबू आती है ना, वो दूर दूर तक जाती है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल बन ही रहा है। इसी तरीके से हमें इसको मेल्ट टर्न कर करके सेक लेना है। देखिए ज्यादा समय नहीं लगा हमें, प्लीज कोई कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना टेम्पटिंग लुक है इसका। थैंक यू सुनेश जी। ये देखिए इसको टर्न करते रहें जिससे कि आपके ये जो बॉम्ब्स हैं वो जले नहीं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, अप्पे भी बोल सकते हो, चीजी अप्पे, कॉर्न चीजी अप्पे, बॉम्ब्स भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। मुझे ये बॉम्ब्स वाला नाम अच्छा लगा। थैंक यू मामा जी। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी अगर आपके कमेंट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप बता पूछ सकते हैं। और एक आप जब ये कॉर्न को ग्राइंड करें ना या मैश करें, तो ज्यादा मैसी ना करें, एकदम पेस्ट ना बनाए, हल्का सा दरदरा इसको जरूर रखें, क्योंकि पेस्ट बन जाएगा तो उतना अच्छा पेस्ट नहीं देगा। हल्का सा दरदरा इसको जरूर रखें। देखिए लगभग हमारे ये बॉम्ब्स रेडी हैं, क्योंकि सेंटर वाले जल्दी से पकते हैं, और गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे, है ना। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस तरीके से टर्न करते रहें इनको। देखिए सेंटर वाले लगभग मुझे लग रहा है मेरे हो चुके हैं, तो मैं अब इनको निकाल लूंगी एक प्लेट में। ये देखिए
इसको हम बीच में सेंटर में इनको ट्रांसफर कर देंगे, जिससे ये भी जल्दी से हमारे कुक हो जाए। देखिए थैंक यू जी। थोड़ा सा चीज इनके ऊपर क्रिएट कर देंगे। क्योंकि चीजी है तो चीज तो होना चाहिए। देखिए ये जो डिश है हमारी एकदम तैयार है। कमेंट करके बताइए आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको ये कट करके भी दिखाती हूँ। ये जो बॉम्ब्स है हमारे कितने चीजी बने हैं देखिए। तैयार है हमारे कॉर्न चीज बॉम्ब्स। आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करें और अमूल के पेज को फॉलो करें, जिससे कि आपको इसी तरीके से और अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच दीपा मैम, बाय बाय। ट्राई करना आप लोग भी।